G20 में अपना शाही रोब झाड़ने के लिए चीन ने 50 गाड़ियों की डिमांड की तो भारत ने दिखा दी उसे उसकी औकात। दोस्तों, आने वाले 6 से 10 सितंबर को दिल्ली एक कैंप में बदलने वाली है। एनएसजी कमांडो, सबसे बेहतरीन पैरा मिलिट्री कमांडोज, सबसे बेहतरीन बख्तरबंद बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला दिल्ली के चप्पे चप्पे को घेरने वाली हैं, क्योंकि इसी बीच दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स भारत के राजधानी दिल्ली में एक साथ होंगे। और जब वो दिल्ली में आएंगे तो अपने साथ काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी काफिला लेकर आएंगे। अपनी सुरक्षा के लिए कई सारी एडवांस और हथियारों से लैस बुलेट प्रूफ गाड़ियां लाने का उनका प्लान था, जिसमें बाइडेन ने अपनी तरफ से 80 गाड़ियों का प्रस्ताव रखा था कि वो दिल्ली अपने साथ 80 गाड़ियों को लेकर आएंगे, क्योंकि उन्हें हर पल हर समय हमले का खतरा बना रहता है। तो वहीं G20 में चीन ने दुनिया के सामने अपनी धौंस दिखाने के लिए 50 गाड़ियों की डिमांड रखी थी, यानी 50 बुलेट प्रूफ हथियारों से लैस गाड़ियां, ताकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का रोब झाड़ सके। लेकिन हमारे भारत ने तुरंत इन पावरफुल लीडर्स को दिखा डाली है उनकी औकात। जी हाँ, चीन को ही नहीं बल्कि बाइडेन को भी दिल्ली पुलिस ने चेताते हुए कहा कि इतनी सारी गाड़ियां दिल्ली हैंडल नहीं कर सकती है, क्योंकि G20 से पहले ही हमारे नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे लिए हमारे नागरिक सबसे जरूरी हैं, उन्हें भी तकलीफ ना हो उतनी ही संख्या में आप अपनी गाड़ियां लेकर आइए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें जो नंबर दिए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भी चीन समेत अमेरिका से ये पहले ही कह दिया है कि हमने पहले से ही दुनिया की बेस्ट कमांडोज और इलीट फोर्स को बेस्ट बख्तरबंद गाड़ियों को दिल्ली के कोने कोने में तैनात कर दिया है। 7 सितंबर को G20 देशों, यूरोपियन संघ और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इन सभी का ध्यान रखते हुए ट्रैफिक मूवमेंट को भी लेकर खासा इंतजाम किया गया है। ऐसे में इन देशों की ओर से अपने गाड़ियों को नई दिल्ली लेकर आने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने वाहनों की संख्या में कुछ कटौती कर दी है। इसके साथ ही तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस भी अपने वाहन यहां लाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। ऐसे में इन वाहनों की काफिलों की फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजाम करने की बड़ी चुनौती भी दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने रहेगी। दोस्तों देखिए, दोस्तों किसी भी देश में जब सम्मिट हो रही तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जिस देश में ये सम्मिट होने जा रही है वहाँ की स्थिति बिल्कुल भी बिगड़नी नहीं चाहिए। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली दुनिया की सबसे रस वाली जगह है और इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में दिल्ली के नागरिकों का भी ख्याल रखना है और दूसरे देशों से आ रहे पावरफुल लीडर्स का भी। इस समय सभी देशों को भारत को अपना मित्र बनाना है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी इस वक्त बहती गंगा की तरह है और यहाँ दुनिया भर के देश अपने पाप धोने आ रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया कर्ज में डूबी हुई, सभी की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग रहा है। वहीं भारत की इकोनॉमी बूम पर है। इस वक्त हमारी देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP है और ऐसी स्थिति में दुनिया के कई देश कंगाली के कगार पर खड़े हैं। यूरोपियन देशों के कई देश तो कंगाल हो भी चुके हैं, यहाँ तक अमेरिका भी लगभग कंगाली के राह पर चल रहा है। बस अमेरिका को अभी कंगाल घोषित होना बाकी है। साथ ही चीन को भी काफी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि काफी सारी कंपनियां चीन छोड़कर बाहर जा चुकी हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसी स्थिति में ये सभी देश चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट में आकर अपना सामान बेचे। किसी भी तरीके से वो अपना प्रोडक्ट भारत में लॉन्च करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से भारत उनके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाए। आपने हाल ही में देखा होगा कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भारत के साथ फ्री ट्रेड को लेकर अपनी एड़ियां घिस रहे थे। तो वहीं भारत ने कह दिया है कि अगर हमारे साथ फ्री ट्रेड करना है तो हमारे नागरिकों का वीजा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दोनों देशों के बीच इस डील को लेकर फ्री ट्रेड की डील रुक गई, क्योंकि ऋषि सुनक को उन्हीं के अपोजिशन पार्टी ने कहा है कि आप भारतीय हैं इसलिए भारतीयों का वीजा बढ़ाना चाहते हैं। वैसे हमारा भारत इतना शक्तिशाली तो है ही कि वो अपनी बात किसी भी डील के सामने रख सकता है और किसी पर भी दबाव बना सकता है, चाहे वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर इंडियन हो या फिर कोई अंग्रेज। हमारा भारत इतना सक्षम तो है ही कि वो किसी भी डील पर अपनी दबाव बना सकता है, क्योंकि भारत अब दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है। साथ ही भारत सभी क्षेत्रों में नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है, नए नए इतिहास रच रहा है जो उन पावरफुल देशों के लिए भी मुमकिन नहीं था। तो वहीं आपको बता दें कि अगर चीन भारत के साथ डील करता है या कोई भी बिजनेस करता है तो उससे हमारा यानी भारत का ही नुकसान होने वाला है। हमारा भारत आगे बढ़ रहा है,
नौजवानों में कुछ भी कर गुजरने के इंस्पिरेशन है। G20 सम्मेलन में शिरकत करने वाले अतिथि देशों ने आने वाले पावरफुल लीडर को ठहराने के लिए भारत की तरफ से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने दिल्ली NCR में 16 होटलों की पहचान की है। इन होटलों के रूट को लेकर भी फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं शिखर सम्मेलन से पहले फुल ड्रेस कार कोड रिहर्सल का आयोजन भी किया जा रहा है। इस बीच देखा जाए तो 18 से 10 सितंबर तक होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के चलते राजधानी के सभी सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों को बंद रखने के साथ साथ सभी स्कूलों में छुट्टी रखने के आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं। यानी 8 से 10 सितंबर तक 3 दिन दिल्ली के स्कूल कॉलेज और दफ्तर सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। दोस्तों, हमारा भारत अब चांद पर भी पहुंच गया है। सभी देशों को पता है कि आज भारत उभरता हुआ सितारा है, इसलिए इस बार G20 समिट भारत के साथ इन सभी देशों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने देश के व्यापार को बढ़ाने की, और इस मौके को कोई देश नहीं छोड़ना चाहता है। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि भारत ने किन किन देशों के साथ किस चीज को लेकर बिजनेस डील की। ऐसे में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियोज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।